गांधी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। द भारत टाइम्स अपनी 72वीं सालगिरह पर आपके इस उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ पर आए। नमस्ते, सारा ऊर्जा कम है। नमस्ते, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जिस पॉलिटिकल लीडर को मैं इतना मानता हूँ और इतना उसका फैन हूँ, उनके हाथ से मुझे ये अवार्ड मिला। मैं गांव में जब काम करता था तो पानी का खूब काम किया, और तभी देवेंद्र फडणवीस ने जो जलयुक्त शिवार किया था पॉलिसी, उससे गांव-गांव में जो टैंकर जाते थे वो सारे बंद हो गए। मुझे बहुत खुशी है कि वो वापस आ गए और जलयुक्त शिवार भी थोड़े दिन में वापस आ जाएगी। मैं एक इंटरनेशनल अर्बन प्लानर था, 23 देशों के अंदर मैं अर्बन प्लानिंग करता था, लेकिन लोगों की लाइफ देख के लगता था कि हमारे देश के लोगों की ऐसी डिग्निटी वाली लाइफ कैसे हो। तो मैंने वापस आके अन्ना हजारे के साथ काम शुरू किया, केजरीवाल के साथ शुरू किया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन इतनी बड़ी मूवमेंट बनाई, फिर आम आदमी पार्टी हो गया। लेकिन 2015 में दिल्ली जीतने के बाद ये लगने लगा कि ये सब गलत जा रहा है, ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव पॉलिटिकल कल्चर चेंज करने की जो बात हो रही थी वहां से तो हम और कहीं चले जा रहे हैं। तो मैंने उस समय राजकारण छोड़ दिया कंप्लीटली, और सबसे ज्यादा जहां सुसाइड्स होते थे मराठवाड़ा में। मुझे एक बार देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि तुम बीड़ में काम करते हो, बीड़ तो महाराष्ट्र का बिहार है। हम वहां 2619 गांव में काम करते हैं, वहां के किसानों की इनकम 10 गुना बढ़ गई है। 2.50 करोड़ से ज्यादा हमने फल के पेड़ वहां लगाए हैं, जो 8 साल में 6 साल सूखा पड़ता था, ये पेड़ लगने के बाद बहुत बढ़िया बारिश हो रही है। तो कोइंसिडेंस है या पेड़ के चलते हैं ये हम नहीं जानते। 25 लाख टन कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन हुआ है और हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। मुझे उम्मीद है कि देवेंद्र जी के आने के बाद पॉलिसी लेवल के ऊपर यहां पे पूर्ण सपोर्ट होते जाएगा, जमीन के ऊपर हम काम कर लेंगे। भारत माता की जय।